वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि कोयला विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों को 10 मार्च 2022 तक कैसे भी करके आवेदन कर देना है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो डेट है वो समाप्त हो जाएगी और लिंक्स को अनएक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं नॉर्मली 33% के साथ और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2022 के अंदर एक अच्छे से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट के ऊपर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यहां पे आपको दिखेगा और इसके अलावा आपको आगे मैं फुल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अप्लाई कैसे करना है घर बैठे बिल्कुल फ्री में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, इसके बारे में भी आपको फुल्ली जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ताकि आगे भी आपके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। पहली नंबर ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए नॉर्मली 33% के साथ, कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगा गया। इसके बाद सेकंड नंबर ये कि आपको माइनिंग सरदार की पोस्टें देखने को मिलेंगी जिनके लिए जो आपका वेतन है वो 30,000 प्लस स्टार्टिंग में ही रखा गया है, जो कि नोटिफिकेशन में आगे हम क्लियर भी करेंगे। इसके अलावा मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। साथ में यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे। इसके अलावा कई सारी जानकारी जो कि आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पे SC ST OBC फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका जो अप्लीकेशन फीस है बिल्कुल जीरो है, और अगर बात करें जनरल OBC का तो नोटिफिकेशन में एक बार चेकआउट जरूर करना होगा। इसके आगे आपका जो सिलेक्शन है बिना किसी इंटरव्यू के केवल और केवल एग्जाम के बेस पे होना है, उसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, देन आपको आगे की जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है। टोटल आपको नोटिफिकेशन के अंदर 7 पेजे मिलेंगे और यहां पे देख सकते हैं ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और यहां पे कोल इंडिया का एक अंग और बाकी इसकी डिटेल यहां पे दी गई है। अगर बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की तो 20/2/2022 यानी कि 20 फरवरी के दिन ही ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनिंग सरदार की पोस्ट पर ये वैकेंसी आउट करी गई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर दी पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार। इसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है जहाँ पे आपको माइनिंग सरदार की पोस्टें मिलेंगी। इसके जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 31,852 रुपये पर मंथ का रखा गया है। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट के बारे में तो 313 वैकेंसी मिलेंगी जहाँ पे जर्नल के लिए 127, EWS के लिए 30, OBC के लिए 83, SC के लिए 46 और ST के लिए 23, टोटल यहाँ पे 309 और बैकलॉग ST के अंदर 4 और यहाँ पे PH वालों के लिए भी जो है तो कोई पोस्टें नहीं है। इस तरह से टोटल 313 वैकेंसी होती हैं। मिनिमम एजुकेशन की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं पास यहाँ पे
कंपलसरी होगा। और इसके बाद अगर बात करें एज के बारे में, तो एज आप लोगों की कम से कम 18 और 18 से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 35 साल की यानी कि 30 नॉर्मल और 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन यानी कि टोटल यहाँ पे 35 सालों की एज होनी चाहिए। यहाँ पे एससी एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 3 सालों की छूट मिलेगी, और यहाँ पे जो है तो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन अलग अलग से यहाँ पे छूट रखी गई है, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर से होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको आगे जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या चाहिए होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जितनी भी डिटेल है आपको सारी की सारी रेडी रखनी होंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका सिलेक्शन है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा, और यहाँ पे जो आपकी आखिरी डेट है फॉर्म भरने की वो 10/3/2022 11:55 रात के समय यानी कि 10 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी दी गई है जिसको आपको अच्छे से चेकआउट करना है अप्लाई करने से पहले, ताकि बिना किसी डाउट के आप लोग अप्लाई कर सकें। यहीं पे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में, कोलकाता हो गया, रांची हो गया, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर और बिलासपुर, यहाँ पे टोटल आपको 7 जगह एग्जामिनेशन सेंटर इनके देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करके जरूर चेकआउट करिएगा। आगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के अप्लाई कैसे करना इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोयला विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2022 के बारे में, जहां पर आपको वेतन 31,585 रुपए देखने को मिल जाएगा, वो भी पर मंथ का। यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फॉर्म फीस यहां पे फ्री रहेगी। अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करने होंगे और इसकी आखिरी डेट 10 मार्च रात के 11:55 तक के लिए रखा गया है। आपको ध्यान से आवेदन फिल कर देने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि आगे भी आपके पास ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे ECL माइनिंग सरदार रिक्रूटमेंट 2022 के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठे कोई भी काम करके किसी भी कंपनी के लिए काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, मंथली का पैसे कमाना चाहते हैं, तो workfromhomejobs.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आप एक नई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको कई सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जिनके लिए आप लोग वहीं से अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपका ECL यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड रहेगा, जहाँ पे आपको वैकेंसी 300 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पोस्ट की बात करें तो माइनिंग सरदार की वैकेंसी है, पोस्ट है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करने होंगे और जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया हो सकता है। हु कैन अप्लाई, तो मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक रिलैक्सेशन के साथ 35 यानी कि 35 साल की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक कर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। दिन बात करें अगर कि आपका यहाँ पे सैलरी यानी कि वेतन क्या रहेगा, तो वेतन आपको इनके रूल के हिसाब से 31,585 रुपए पर मंथ का देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना, इसके बारे में जानकारी आपको मैं आगे प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अप्लाई करते टाइम आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट होने वाला है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स है जहाँ पे आपके जो फॉरम है वो 20/2/2022 से लेकर 10/3/2022 यानी कि 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक भरे जाने हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अप्लाई का नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशंस को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको एक बार डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड की लिंक यहां पे आ जाएगी। डाउनलोड की बटन पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं सेम नोटिफिकेशन हमारा ओपन हो चुका है। माइनिंग सरदार की पोस्टें हैं, इसमें से आप लोग सारी जानकारी एक बार जरूर रीड करें। इसके बाद बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे एक बार आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप लोग एक नए पेज पे आ जाएंगे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार कोल इंडिया। और इसके बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स भी देखने को मिल जाएंगी और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और स्टार्ट की बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये पेज 100% लोडिंग लेगा और इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। इसको आपको क्लोज करना होगा सारी की सारी चीजें रीड करने के बाद। क्लोज करेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ही पोस्ट होगी, माइनिंग सरदार, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पोस्ट कोड ऑलरेडी आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी इसको भी कंफर्म करेंगे और ये जो आपको 7 कैरेक्टर का कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट की बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों चूंकि ये वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। इसीलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने का पूरा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।